नमस्कार, मैं हूँ शिवांगी द्विवेदी, आपकी होस्ट एंड दोस्त। आप सबका स्वागत करती हूँ द इमर्जिंग आर्टिस्ट 2019 अवार्ड्स पावर्ड बाय दुष्यंत गैलरी, एक ऐसा इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म जिसने देश विदेश के सभी कलाकारों को मौका दिया इंटरनेशनल लेवल पर आने का। तो आज हमारे बीच में एक ऐसी इंटरनेशनल पर्सनैलिटी है, भावना सक्सेना जी, आपका मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। भावना सक्सेना जी जयपुर राजस्थान से हमारे बीच में आई हैं और जिन्होंने अपने शौक को, अपनी हॉबी को अपना करियर बनाया है। तो भावना जी, सबसे पहले मैं आपको कॉन्ग्रेट्स करती हूँ कि आपने ये अवार्ड जीता, और साथ ही साथ में आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि हाउ आर यू फीलिंग ऑन अचीविंग दिस द इमर्जिंग आर्टिस्ट अवार्ड 2019। द इमर्जिंग आर्टिस्ट अवार्ड जीतकर एक तरह से बहुत ज़्यादा खुशी मिल रही है, क्योंकि एक कलाकार को उसकी कला के लिए प्रशंसा मिले या उसको इनाम मिले तो उसको बहुत अच्छा लगता है, और ये अवार्ड तो इंटरनेशनल लेवल का अवार्ड था, तो इसे पाकर खुशी हमारी दुगुनी हो गई है। क्या बात है, बिल्कुल सही कहा आपने। तो मैम, हाउ यू बिगिन योर करियर एज एन आर्टिस्ट? बचपन से ही मुझे आर्ट करने का शौक था, छोटे मोटे कॉन्टेस्ट में पार्ट लिया करती थी और इनाम उसमें मिलते रहते थे। धीरे धीरे वही इंटरेस्ट इतना ज़्यादा हावी हो गया कि मुझे लगा कि मुझे अपने करियर इसी में बनाना चाहिए, तो मैंने फिर इसी को अपना करियर के रूप में। बहुत अच्छी बात है। अच्छा मैम, एक चीज़ है, जैसे कि आप कोई करियर चुनते हैं तो कोई ना कोई इंस्पिरेशन होता है, तो हु इज़ योर इंस्पिरेशन इन दिस फील्ड एंड हु इज़ योर रोल मॉडल? मेरे इंस्पिरेशन मेरे गुरुजन ही है, जिनसे मैंने मिनिएचर भी सीखा है और ऑयल पेंटिंग भी सीखा है, फर पेंटिंग भी सीखा है। तो जो फर पेंटिंग मैंने सीखा है वो राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त शिवलाल जोशी हैं, उनके बेटे कल्याण जोशी से सीखा है। ऐसे ही राज्य स्तरीय पुरस्कार प्राप्त गोपाल भारती से मैंने ऑयल पेंटिंग सीखी, और महेंद्र सोनी सर जो कि काफ़ी स्तर पे अवार्ड ले चुके हैं, उनसे मैंने मिनिएचर सीखा। तो मेरी हमेशा से इच्छा रही कि मैं अपने गुरुजनों की बराबरी तो नहीं कर सकती, पर उस लेवल पे पहुंचने की कोशिश कर सकती हूँ, और वही कोशिश करने का प्रयास है मेरा। बिल्कुल सही कहा आपने कि मतलब मेरे रोल मॉडल मेरे गुरुजन ही हैं। बहुत अच्छी बात है। सो मैम, एज एन आर्टिस्ट, व्हाट आर योर प्लान्स इन योर फ्यूचर, लाइक एज एन आर्टिस्ट? एज एन आर्टिस्ट मैं यही चाहूँगी कि मैं अपनी कला को अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचा सकूँ। इसके लिए मैं चाहूँगी कि देश विदेश में मैं अपनी प्रदर्शनियाँ कर सकूँ और अपना भी नाम कर सकूँ और अपनी कला को भी आगे पहुँचा सकूँ। बिल्कुल सही बात है। तो जैसे कि आज आपने पार्टिसिपेट किया, आपने एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे पार्टिसिपेट किया, क्योंकि ये जो द इमर्जिंग आर्टिस्ट 2019 अवार्ड है इंटरनेशनल लेवल पे ऑर्गेनाइज किया गया था, तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कि एक आर्टिस्ट के लिए पेंटिंग कॉम्पिटिशन्स कितने मायने रखते हैं, उसकी पर्सनैलिटी को ग्रूम करने में, उसके वर्क को फेम दिलाने में, रिकग्निशन में कितना उनका योगदान होता है? एक आपकी कला यदि आप आगे लेके नहीं आएंगे, किसी के सामने नहीं रहेंगे, तो वो तो एक घर के अंदर ही बंद होकर रह जाएगी। किंतु यदि हम किसी प्लेटफॉर्म पे अपनी कला को लेके जा रहे हैं तो एक आपको अपना लेवल भी पता चल रहा है कि आप किस लेवल पे वर्क कर रहे हैं, लोग आपकी कला को कितना पसंद कर रहे हैं, और यदि अवार्ड मिलता है तो जरूर ऐसे कि आपको लोगों को पसंद आ रही है आपका काम, फिर आपकी इच्छा होती है कि हमें कुछ और नया करके दिखाना चाहिए यदि हमको आगे और बढ़ना है तो। बहुत अच्छी बात कही है मैम ने कि अगर आगे बढ़ना है तो कुछ नया करके दिखाना चाहिए। सो मैम, हमारी ऑडियंस बड़ी एनर्जेटिक है और कहना चाहिए कि एक आपके साथ आर्टिस्ट काफ़ी जुड़े हुए हैं, तो मेरा आपसे एक लास्ट क्वेश्चन जो मेरा है कि डू यू वॉन्ट टू गिव एनी मैसेज टू द अपकमिंग आर्टिस्ट, और जो हमारे आर्टिस्ट इस फील्ड में आगे आ रहे हैं उनके लिए आपकी तरफ से कुछ मैसेज हो तो हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप दे सकती हैं? मैं आने वाले आर्टिस्ट को यही कहना चाहूँगी कि शॉर्टकट अपनाने की जगह मेहनत करें, जितनी मेहनत करेंगे, जितना काम करेंगे, उनका नाम भी होगा, उनका काम भी आगे बढ़ेगा। तो मैं तो यही चाहूँगी कि वो मेहनत करें, शॉर्टकट अपनाना छोड़ दें। बहुत अच्छी बात की है कि शॉर्टकट जो है वो टिकता कम है, लेकिन जो लॉन्ग कट होता है वो काफ़ी दिन तक स्टेबल रहता है, लोग याद करते हैं। बहुत अच्छी बात है। ऑडियंस से मैं कहना चाहूँगी कि आप जो ये पेंटिंग देख रहे हैं ये भावना मैम ने बनाई है, और मैम थोड़ा सा आप इस पेंटिंग के बारे में हमारे ऑडियंस को इससे रूबरू करें। नहीं, मैंने पेंटिंग ऑयल कलर्स में बनाई है और इसमें मैंने मानवीय भावनाओं और जानवर के बीच में एक संबंध, रिलेशनशिप बताने की कोशिश की है, उसी को बताया है कि ह्यूमन फीलिंग्स को बताने की कोशिश की है जनरली। थैंक यू मैम, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज मैं आपके सामने हूँ और आपको इंटरव्यू ले रही हूँ। थैंक यू सो मच, हमारी पूरी टीम की तरफ से मैं आपको कॉन्ग्रेट्स करती हूँ और आपके ब्राइट फ्यूचर के लिए आपको शुभकामनाएं देती हूँ। थैंक यू।